हाउ टू फिक्स वन प्लस नॉट कॉलर नेम नॉट शोइंग ऑन इनकमिंग कॉल प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने वन प्लस के डिवाइस में कॉलर नेम नॉट शोइंग ऑन इनकमिंग कॉल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है, जब आपको कोई कॉल करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों कॉलर नेम की जगह पर सिर्फ उसका नंबर ही शो करते हैं। हालांकि दोस्तों हमने वो नंबर सेव किया होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे उनका जो नेम है वो शो नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम, क्या चेक करना होगा, कैसा सेटिंग करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के सारे अंत तक बने रहिए, सारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डिवाइस को रिस्टार्ट करके देखें। रिस्टार्ट करने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो ठीक है, अगर रिस्टार्ट करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है फ़ोन सर्विस, फ़ोन सर्विस को अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करके आपको यहाँ पे सर्च करना है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट को भी आपको अपडेट करना होगा। तो दोनों ऐप को अपडेट कीजिए। उसके बाद जाइए दोस्तों सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करें, ज़्यादा नीचे नहीं जाना है आपको, बस ऐप एंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको सी ऑल ऐप्स पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आ जाने के बाद आपको नीचे जाना है, नीचे आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट्स, तो कॉन्टैक्ट्स को ओपन कीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको स्टोरेज एंड कैश पर जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो डेटा है उसको क्लियर करने के बाद आपको बैक करना है, सारे परमिशंस इसका अलाउ कर देना है, उसके बाद बैक करना है। एंड देन आपको फाइंड आउट करना है फ़ोन सर्विस, स्टोरेज एंड कैश पर जाइए, क्लियर डेटा करके ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपको बैक करना है, मेक श्योर सारे परमिशन अलाउ करें, बैक करें और उसके बाद डिवाइस को रिस्टार्ट करें। रिस्टार्ट करने के बाद जाइए अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर पे। उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का जो ऑप्शन है, ठीक है, जहाँ पे प्रोफाइल वगैरह है तो वहाँ पे क्लिक करें। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऑल आपको सेट करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट यहाँ पे फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट ऑल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, या फिर थ्री लाइन्स पर जाइए। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट है उसको सेलेक्ट करना है, कॉन्टैक्ट फ्रॉम ऑल अकाउंट्स। अगर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों अगर नंबर नहीं है तो नंबर शो नहीं होगा। तो आपको जाना है कॉन्टैक्ट फ्रॉम ऑल अकाउंट कर देना है, सारे नंबर आ जाएगा। मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए, उसके बाद दोस्तों देखेगा आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। सारे साथ अगर मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो जो भी दोस्तों पॉसिबल सॉल्यूशन था कॉन्टैक्ट नेम नॉट शोइंग ऑन इनकमिंग कॉल प्रॉब्लम का, तो वो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। तो आप इस प्रकार से सॉल्यूशन करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नेम नॉट शोइंग ऑन इनकमिंग कॉल प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।